बोला नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू मैशलिन्स किचन। बहुत दिन हो गए कोई रेसिपीज़ हमने अपलोड ही नहीं किया, तो आज सोचा कि जबकि नवरात्रि भी आज से शुरू हो रहा है तो क्यों ना एक ऐसी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं जिसे आप इस नवरात्रि के दौरान भी बनाकर और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं, स्पेशली चाय के साथ। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है हमारा फीजी का सबसे डिलिशियस स्टीम पुडिंग पुरीनी, यानी पुडिंग, स्टीम पुडिंग। तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है सेल्फ रेजिंग फ्लावर, बेकिंग सोडा, कोकोनट क्रीम और शुगर। अगर आपके पास मुस्कवारा शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास सेल्फ रेजिंग फ्लावर नहीं है तो आप प्लेन फ्लावर भी ले सकते हैं, बस उसमें आप एक टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डाल दीजिए। और अब हम जो अगला प्रोसेस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक पैन लिया है हमने, जो ये नॉनस्टिक पैन है, और अब हमने स्टोव को ऑन किया है, मीडियम हीट पर रखना है, और इसी में बस हमें शुगर डालकर और इसको अच्छे से लिक्विड करना है। याद रहे शुगर जो है वो जलना नहीं चाहिए, बस सॉफ्ट हो जाए, लिक्विड हो जाए। तो ये है स्टेप नंबर वन। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारा जो शुगर है वो मेल्ट हो रहा है, इसे हम और मेल्ट करके तब इसमें हम अपना जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो डालेंगे। अब शुगर जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे अपना कोकोनट मिल्क। याद रहे इस स्टेज पे मैंने स्टोव को ऑफ कर दिया है, तो आपको बहुत सावधानी से इस प्रोसेस को करना है क्योंकि ये स्प्लैटर भी हो सकता है। तो हम बस इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको हम चलाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कप कोकोनट मिल्क एंड अबाउट अ क्वार्टर कप मोर, और इसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे जबकि हमारा शुगर फिर से मेल्ट ना हो जाए। बस ऐसे ही हमें चलाना है और जितना भी लंप है शुगर का वो हमें इसमें डिसॉल्व करना है, गलाना है। फ्लेम को एकदम ही आप लो रखिएगा क्योंकि हमें इसको जलाना नहीं है, बस मेल्ट करना है शुगर को। तो गाइस हमारा जो सिरप है वो तैयार है, अब बस इसको हम ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें हम फिर बाकी का इंग्रेडिएंट जो है वो मिला लेंगे। ओके गाइस, तो हमारा जो सिरप है वो कूल डाउन हो गया है, ठंडा हो गया है। अब हम इसमें अपना जो फ्लावर है वो छोड़ेंगे, सेल्फ रेजिंग फ्लावर, ये एक कप मैंने लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। सभी चीज़ों का जो क्वांटिटी है, मेजरमेंट्स है, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर दोबारा भी चेक कर सकते हैं अगर आपने कोई स्टेप मिस किया हो। ओके, अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फ्लावर के साथ। आप चाहे तो इसको आप एम्प्टी करके भी दूसरा बेसन में या कोई भी थरिया में जो आप इसे मिला सकते हैं। खूब
अच्छी तरह से फोल्ड करिए ताकि सब जो फ्लावर है हमारा हमारा जो सॉस है उसमें मिक्स हो जाए। ओके गाइस, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छी तरह से अपने फ्लावर और वो जो सॉस था हमारा उसको मिला लिया है। मेरे पास यहाँ पे बटा है जो मैंने क्यूब्स में काटा है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं छोड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसे ऑमलेट भी कर सकते हैं। और ये है अनसॉल्टेड बटा, क्योंकि हमने पहले ही इसमें नमक डाला था तो ये अनसॉल्टेड बटा है। अगर आप सॉल्टेड बटा चाहते हो तो आप सॉल्ट जो हमने छोड़ा था वो आप मत छोड़ना, ठीक है, बटा से ही काम चल जाएगा। बट दिस इज़ अनसॉल्टेड एंड ये ऑप्शनल है। तो अब मैं इसको इसी में डालकर मिला लूँगी। तो बटा को मिक्स करने के बाद अब मैंने यहाँ पे अपना सिलिकॉन मोल्ड केक का है जो वो ले लिया है, इसको भी मैंने ग्रीस किया हुआ है और हम इसमें अपना जो बैटर है वो डाल देंगे और फिर आगे क्या करना है वो भी आप बस देखते रहिए। ओके गाइस, तो हमारा बैटर जो है वो पैन हमारा मोल्ड में जो है वो चला गया है। अब हमारा क्रूशल पार्ट आता है, वो है स्टीम। तो अगर आपके पास स्टीम करने की कोई सुविधा नहीं है तो देर आर थ्री वेज यू कैन डू इट एट होम। एक तो है हमारा जो प्रेशर कुकर है, हम उसमें स्टीम कर सकते हैं, या तो हम ओवन में बेकिंग ट्रे जो हमारा होता है ना उसमें हम बॉइलिंग वाटर डालकर और अपना जो केक का मोल्ड है उसमें रख कर इसे हम फॉयल से ढक कर और ओवन में बना सकते हैं। या तो नॉर्मल वे जो हमारा होता है आसान सा तरीका, स्टोव पर पानी चढ़ाइए एक बड़े से हंडी में, बीच में तीन चार प्याली रखिए, उसके अंदर ये मोल्ड रखिए फॉयल से ढक कर और बस इसे हम स्टीम पे बनाएंगे। सो मैं जो यूज़ करने वाली हूँ मेथड वो है प्रेशर कुकर, उसमें मैं इसे रख कर और इसको मैं फॉयल से अभी ढक कर प्रेशर कुकर में चढ़ा दूँगी 10 to 15 minutes के लिए, एंड देन एंड रिज़ल्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। प्रेशर कुकर में पानी है, उसके अंदर मैंने ये डाला, ये रखा, अब बस अपना केक का जो हमने मोल्ड है वो रख दिया है यहाँ पर स्टीम होने के लिए। अच्छी तरह से इसे हम ढक लेंगे। तो हमने किया मेन्यू, ऑप्शन है हमारा 4 for steam और बस ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा और जब फिनिश होगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ओके गाइस, सो पुडिंग इज डन, नाउ टाइम टू रिवील इट। अभी तक हमने नहीं देखा है, लेट्स सी। ओ एंड आवर ट्रस्टेड टूथपिक क्लीन वाला है, देखिए कटिंग की बन गए कि नहीं अच्छे से। Oh my gosh. Oh, okay. It is done, but it's a bit gooey because थोड़ा time लगी इसकी, जब ठंडा हो जी तो अच्छे से set हो जी। Okay, so success, not bad. So our pudding is ready. Garma garam chai banao, pudding kato aur enjoy karo. Thank you for watching my video. Aur agar like kara hai to please thumbs up zarur dena. And subscribe to my channel.
share it with your family and friends and keep supporting me. I love you all. Happy Navratri. Jai Mata Di.